जी डियर स्टूडेंट्स अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसके अंदर अल्फाबेटिकल लेटर्स पेयर्स की फॉर्म में आ रहे थे और अब अगर आप गौर करें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू ऑफ योर बुक उसके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स तीन तीन की पेयर्स uh, की फॉर्म में आ रहे हैं तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं अब यहां पे हमारे पास अगर आप गौर करें तो उसके अंदर हमने फर्स्ट अल्फाबेट का फर्स्ट अल्फाबेट के साथ लिंक बनाया था ऑफ द नेक्स्ट पेयर फिर उसके बाद नेक्स्ट पेयर जो था उसका भी फर्स्ट अल्फाबेट तो इसी तरीके से यहां पे हम फर्स्ट अल्फाबेट का लिंक बना लेंगे और फिर उसकी लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे देन देर विल बी अ सेकेंड अल्फाबेट देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑफ द थर्ड अल्फाबेट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स एंड देर इज कॉमा ओवर हेयर और फिर वो आपसे मिसिंग अल्फाबेट पूछ रहा है तो अब देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट लेटर के पे देखें तो फर्स्ट लेटर एक्स है देन देर विल बी डब्ल्यू देन देर इज वी देन देर इज यू आफ्टर वर्ड्स इसकी लॉजिक के तहत आपको वो फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर इन थ्री थ्री की जो फॉर्म में आ रहा है वो मिल जाएगा सिमिलरली सेकेंड लेटर सेकेंड लेटर में हमने वाई वी एस पी वाई वी एस पी एंड देर इज मिसिंग एल्फाबेट थर्ड लेटर उसके लिए क्या है जी वी आर एन जी वी आर एन एंड लास्ट इज मिसिंग लेटर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है सिर्फ इनकी लॉजिक फाइंड आउट करनी है तो एक्स डब्ल्यू वी यू अगर हम देखें तो एक्स डब्ल्यू वी यू हमें देखते साथ ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स और उनकी पोजीशनिंग के साथ हमें पता चल गया कि ये आपके पास एक्स डब्ल्यू वी यू फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड जा रहा है जी स्टूडेंट्स एज पर फर्स्ट लेटर एक्स से डब्ल्यू अब हमें ये जाहिर हो रहा है कि ये बैकवर्ड है तो बैकवर्ड किस तरह है अगर हम यहाँ पर देखें तो वन स्पेस बैकवर्ड तो आपके पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा सपोज डब्ल्यू यहाँ पे है तो एक ही स्पेस बैकवर्ड जाएंगे तो माइनस वन आप करेंगे तो W के ऊपर आ जाएंगे W से V अगर हमने जाना है तो देन अगेन देर इज माइनस वन ओवर फिर V से U जाना है देन अगेन करेंगे क्योंकि एक स्पेस बैकवर्ड गए हैं और फिर U से अगर आप बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो कितनी एज पर द लॉजिक अगर हम देखें देन अगेन वन स्पेस बैकवर्ड जाएंगे तो आपके पास क्या आ रहा है वो T आ रहा है सो देर इज अ फर्स्ट लेटर दैट हैज टू बी T ओवर हेयर क्लियर हो गया स्टूडेंट सेकेंड लेटर के लिए भी हम इसी तरह की लॉजिक फाइंड आउट करेंगे वाई वी एस पी अगर हम देखें तो वाई 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 इज ओवर हेयर तो वाई से हमने वी पे जाना है वन स्पेस स्पेस टू थ्री और हमने किस पे जाना था वी पे तो थ्री स्पेसेस बैकवर्ड हम गए तो वी आ जाएगा वी से फिर बैकवर्ड अगर हमने जाना है वन टू थ्री देन अगेन थ्री स्पेसेस बैकवर्ड फिर एस आ जाएगा एस से पी पे जाना है वन टू एंड थ्री स्पेसेस बैकवर्ड देन अगेन आ जाएगा तो एस पर द लॉजिक पी से हम थ्री स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे सो देर हमने पी से बैकवर्ड जाना है वन टू थ्री वो हमारे पास कौन सा लेटर होगा एम होगा क्योंकि लॉजिक हमें ये बता रही है आई होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा तो ये भी देख लेते हैं जेड बी आर एन z से हमने v पे जाना है तो वन टू थ्री और फोर फोर स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे तो v आ जाएगा v से r पे जाना है वन टू थ्री फोर देन अगेन फोर स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे तो r पे आ जाएंगे और r से n पे आना है वन टू थ्री फोर फोर स्पेसेस बैकवर्ड देन आपके पास अल्फाबेटिकल लेटर एन आएगा तो यहां पे लॉजिक क्या कह रही है माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर तो ये भी क्या होगा माइनस फोर स्पेसिस ही आप क्या करेंगे फोर स्पेसेस ही बैकवर्ड जाएंगे तो एन से फोर स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे वन टू थ्री फोर लेटर कौन सा होगा लेटर विल बी जे तो यहां पे अगर हम इसको प्लेस कर दें ऑल टूगेदर अगर इसको रीड करें तो टी एम जे वुड बी द राइट आंसर सो एज पर The options, are right option would become beta T M J, क्योंकि लॉजिक से हमने वो ही कैलकुलेट किया है। the right answer would be beta T M J. Moving on to the next question, question number 64 four, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है E double Z G W X J T U N Q Q, then comma, afterwards missing alphabet या missing letters पूछ रहा है। तो हम उसी तरीके से करेंगे। First लेटर आ जाएगा सेकेंड लेटर आ जाएगा एंड थर्ड लेटर आ जाएगा स्टूडेंट्स सॉल्व विद मी ओके फर्स्ट ई है आपके पास देन जी जे एन देन देर इज मिसिंग आफ्टरवर्ड्स जी डब्ल्यू टी क्यू जी डब्ल्यू टी क्यू मिसिंग लेटर थर्ड में जी एक्स यू क्यू जी एक्स यू क्यू देन मिसिंग तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से अल्फाबेटिकल लेटर्स हमारे सामने मौजूद हैं उनकी पोजीशंस का भी हमें पता है कि वो क्या होंगी तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं ई e, जी अगर हम देखें तो ई e, जी हो रहा है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड जा रहा है तो वन टू प्लस टू किया प्लस टू स्पेसेस सो फॉरवर्ड की तरफ गए तो जी आ जाएगा जी के बाद जे अगर हमने देखना है वन टू और जे थ्री स्पेसेस जे के बाद एन वन टू थ्री फोर स्पेसेस पैटर्न अभी तक आपको पता चल गया होगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो एन के बाद प्लस फाइव होना चाहिए तो एन के बाद वन टू थ्री फोर फाइव देर हैज टू बी मिसिंग लेटर एस पर द लॉजिक हैज टू बी एस ओके जेड डब्ल्यू टी क्यू अगर हम देखें तो जेड डब्ल्यू अगेन बैकवर्ड यानी रिवर्स में जा रहा है तो वन टू एंड थ्री थ्री स्पेसिस बैकवर्ड माइनस थ्री किया हमने जेड डब्ल्यू टी पे जाना है वन टू थ्री देन अगेन माइनस थ्री टी से क्यू पे जाना है वन टू थ्री देन अगेन माइनस थ्री तो ये क्या लॉजिक बता रही है माइनस थ्री करना है आपने तो Q से थ्री स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे वन टू थ्री क्या लेटर आएगा N आ जाएगा और फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या आ चुका था S आ चुका था तो इसको भी एनसर्कल कर देता हूं एस एन हो गया और फिर उसके बाद Z X को देख लेते हैं Z से बैकवर्ड कितना जाएंगे टू स्पेसिस जाएंगे तो X आ जाएगा तो माइनस टू कर देंगे X से बैकवर्ड कितना जाएंगे U आ जाए वन टू थ्री थ्री स्पेसेस बैकवर्ड यू से क्यू कितना जाए बैकवर्ड वन टू थ्री फोर माइनस फोर सीक्वेंस पता चल गया माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर देर हैॉजिक ओके माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर क्यू से फाइव स्पेसेस बैकवर्ड जाना है वन टू थ्री फोर फाइव लेटर टू बी एल ओके तो यहां पे हमारे पास एल आ जाएगा एस एन एल इज द रिक्वायर्ड मिसिंग लेटर तो हमारा राइट right आंसर क्या हो जाएगा एज पर द चॉइस ये डेल्टा इज द राइट आंसर एंड वी हैव कैलक्युलेटेड द राइट आंसर एज पर द लॉजिक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए स्टूडेंट्स प्लीज सॉल्व विद मी फर्स्ट लेटर को अगर हम देख लें उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी देन डब्ल्यू देन T Q and missing. Second Y U Q M Y U Q M missing. Third Y T O J Y T O J then last is the missing alphabet or missing letter. जेड डब्ल्यू वन टू थ्री स्पेसिस बैकवर्ड थ्री डब्ल्यू टी वन टू थ्री देन अगेन माइनस थ्री थ्री स्पेसेस बैकवर्ड टी क्यू वन टू थ्री माइनस थ्री स्पेसिस यानी माइनस थ्री करेंगे इस वजह से माइनस मैं इस वजह से लिखता हूं आपको पता होगा कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं और पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड तो क्यू से थ्री स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे माइनस थ्री कर रहा हूँ क्यू तो वन टू थ्री अ लेटर हैज टू बी एन ओवर हेयर एज पर द लॉजिक क्योंकि माइनस थ्री माइनस थ्री ही ट्रेंड चल रहा था वाई यू को देख लेते हैं वाई वन टू थ्री फोर माइनस फोर यू क्यू को देख लेते हैं वन टू थ्री फोर देन अगेन माइनस फोर क्यू एम को देख लेते हैं वन टू थ्री माइनस फोर देन अगेन और एम से आगे फिर यानी फोर स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे तो वन थ्री फोर अ लेटर हैज बी आई ओवर हेयर आई होप सो आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे वाई टी ओ जे अगर हम देखते हैं तो वाई से टी वन टू थ्री फोर फाइव माइनस फाइव करेंगे और टी से ओ वन टू थ्री फोर फाइव देन अगेन माइनस फाइव ओ से जे वन टू थ्री फोर फाइव अगेन हमने क्या किया माइनस फाइव तो ट्रेंड पता चल गया माइनस फाइव का है तो जे से फाइव स्पेसिस बैकवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारे पास लेटर कौन सा आएगा ई e आ जाएगा ओवर हेयर लेट्स सी हमारे पास कोई चॉइसेस मैच करती हैं यस डेल्टा एन आई ई और वही क्या है राइट आंसर भी है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थ्री थ्री के पेयर्स में जो आ रहे थे अल्फाबेटिकल लेटर्स हमने उनको सॉल्व कर लिया इसी तरीके से टू के पेयर्स में भी हमने क्या कर लिया उनको सॉल्व कर लिया इसी लिहाज से अब हम सॉल्व करेंगे फोर फोर के पेयर्स लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चन मार्क कर लें सिक्स थ्री ऑफ योर बुक अभी इसके उप, अपनी बुक के ऊपर मार्क करें और इसको अभी ही सॉल्व कर लें ताकि प्रैक्टिस हो जाए स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली मैंने आपको ये पर्टिकुलरलीस के लिहाज से करवाया है बुक में आपको सोल्यूशन जो है वो स्किपिंग द एल्फाबेट्स के लिहाज से है तो आप उस लिहाज से भी कर सकते हैं और इस लिहाज से भी कर सकते हैं दोनों से आंसर ठीक ही आएगा क्लियर हो गया स्टूडेंट अब मजीद आगे हम फोर के पेयर्स की तरफ मूव करते हैं फोर फोर का पेयर है क्लियर हो गया स्टूडेंट्स <coughs> तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमने वही काम करना है यहां पे हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अब फोर्थ फोर लेटर्स हो गए हैं तो आप मेरे साथ सॉल्व करें बी सी डी ई बी सी डी ई देन मिसिंग सी ई जी आई सी ई जी

बी सी डी ई प्लस वन प्लस वन प्लस वन सो यहां पे भी प्लस वन होना चाहिए क्योंकि कितनी स्पेस है वन स्पेस ही है सी डी वन स्पेस डी ई वन स्पेस तो ई e के बाद प्लस वन यानी फॉरवर्ड एक स्पेस छोड़ के क्या आएगा देर इज एफ क्लियर हो गया सी ई जी आई अगर हम देखें तो सी ई e, तो वन और टू प्लस टू स्पेस फॉरवर्ड ई जी वन टू देन अगेन प्लस टू जी आई वन और आई ओवर है तो प्लस टू देन अगेन तो आई से आगे प्लस टू जाएंगे विच इज वन टू तो क्या आएगा लेटर के आ जाएगा और फर्स्ट लेटर हमारा क्या था एफ था तो उसको भी एनसर्कल कर देता हूं क्लियर हो गया स्टूडेंट डी जी जे एम डी जी करना है अब वन टू थ्री प्लस थ्री स्पेसेस फॉरवर्ड जी से जे वन टू और थ्री स्पेसेस फॉरवर्ड जे आ जाएगा जे के बाद एम वन टू थ्री प्लस थ्री तो एम के बाद भी प्लस थ्री करना होगा वन टू थ्री आपके पास लेटर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा ई e से आई वन टू थ्री फोर और फिर आई आ रहा है प्लस फोर आई से एम वन टू थ्री फोर देन अगेन प्लस फोर एम से क्यू वन टू थ्री और ये फोर और फिर क्यू आ रहा है देन अगेन प्लस फोर तो लॉजिक क्या कह रही है कि प्लस फोर ही क्यू में आपने आगे जाना है क्यू से फोर स्पेसेस आगे तो वन टू थ्री फोर लेटर वुड बी यू तो ये यू आ गया आपके पास और यहां से हमने पी भी सिलेक्ट किया था तो आपके पास एज पर द ऑर्डर एफ के पी यू आपके पास राइट right आंसर होना चाहिए तो स्टूडेंट एज पर द लॉजिक अगर आप देखें तो हमारा राइट आंसर एफ के पी यू बनता है विच इज प्रेजेंट इन ईटा और वही क्या है राइट right आंसर भी है स्टूडेंट्स बुक के अंदर इसका आंसर बीटा दिया हुआ है विच इज द रॉन्ग वन करेक्शन कर लीजिएगा योर आंसर एज पर लॉजिक हैज टू बी ईटा एफ के पी यू क्लियर हो गया स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन ऑफ योर बॉक फोर फोर का पेयर्स देन अगेन हम देखने को मिल रहा है और फोर फोर के पेयर्स को हमने सॉल्व किस तरह करना है उसी तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो ए जी एम एस ए जी एम एस पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे आफ्टरवर्ड्स हमने लॉजिक की फाइंड करनी है वाई एस एम जी वाई एस एम जी अनोन बी एफ जे एन बी एफ जे एन वी आर एन जे वी आर एन जे लास्ट इज द मिसिंग लेटर ए जी अगर हम देखें तो वन स्पेस टू स्पेस थ्री स्पेस फोर स्पेस स्पेस स्पेसेस प्लस आगे की तरफ जाएंगे फॉरवर्ड की तरफ तो जी आएगा जी के बाद एम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर हमारे पास क्या आ रहा है एम आ रहा है देन अगेन प्लस सिक्स करके एम के बाद एस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एस भी प्लस सिक्स करके आ रहा है तो एस के बाद भी जो कोई भी लेटर आएगा वो प्लस सिक्स पेसेस के बाद आएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स द लेटर हैज टू बी वाई ओवर हेयर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स वाई एस एम जी तो वाई से अब बैकवर्ड जाना है एस तक तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो माइनस सिक्स यानी सिक्स पेसेस बैकवर्ड गए तो एस आई आ जाएगा एस से एम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन अगेन माइनस सिक्स एम से जी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स माइनस सिक्स जी से फिर आपने सिक्स पेसेस बैकवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो क्या आ जाएगा माइनस सिक्स करने से ए आ जाएगा ए जी एम एस और ये क्या था वाई एस एम जी तो आपके पास यहां से वाई आया और यहां से ए आया और यहां पे हम Y को एनसर्कल कर देते हैं कि ये सिलेक्ट हो चुका है और Y को भी ए को भी सिलेक्ट कर देते हैं वो भी सिलेक्ट हो गया है ठीक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक अल्फाबेटिकल लेटर दो दफा नहीं हो सकता दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक तो B F J N को अगर हम देखें तो B के बाद F वन टू थ्री फोर फोर स्पेसेस अहेड, एफ के बाद जे, वन टू थ्री फोर स्पेसेस अहेड, अगेन, जे के बाद एन वन टू थ्री फोर फोर स्पेसेस अहेड, और एन के बाद भी आगे फोर स्पेसेस अहेड होना पड़ेगा वन टू थ्री फोर देन देर हैजू बी अटर आर ओवर हेयर तो इसको भी क्या करता हूं एनसर्कल कर देता हूं क्लियर हो गया वी आर वी यहां पे है और आर यहां पे है तो वन टू थ्री फोर स्पेसेस हम बैकवर्ड जाएंगे आर से एन वन टू थ्री फोर फोर स्पेसेस बैकवर्ड एन से जे वन टू थ्री फोर फोर स्पेसेस बैकवर्ड जे से फिर हमने फोर स्पेसेस बैकवर्ड जाना होगा वन टू थ्री फोर तो देर टू बी अ लेटर एफ ओवर है सो राइट आंसर एज पर दिस लॉजिक वुड बी वाई ए आर एफ एंड विच इज़ प्रेजेंट इन ईटा और वही क्या हमने कैलकुलेट भी किया है तो स्टूडेंट्स ये आपके पेयर्स थे फोर फोर के इसी के लिहाज से प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिएगा सेवेंटी वन एंड सेवेंटी फोर ऑफ़ योर बुक अभी मार्क करें और अभी उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स ये सीरीज़ नोमरिकल एंड अल्फाबेटिकल यहाँ पे कंप्लीट होती है रेस्ट आपने जितनी भी प्रैक्टिस करनी है अपनी वो स्मॉल बुक से ही करनी है